कोरोना वायरस के चलते एक बड़ी खबर आ रही है। रविवार यानी इतवार के दिन देश में नहीं चलेगी एक भी ट्रेन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, रविवार के दिन एक भी ट्रेन नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 मार्च को देश में किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं होगा। जी हां, 22 मार्च यानी संडे को मध्य रात्रि से रात 10 बजे के बीच देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं चलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर गुरुवार को मन की बात में जब राष्ट्र को संबोधन किया था तो जनता कर्फ्यू की उन्होंने अपील की थी। नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि जनता कर्फ्यू रहेगा रविवार के दिन, इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी के रविवार सुबह 4 बजे से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस बंद रहेंगी। वहीं सभी सब अर्बन ट्रेनों का संचालन कम से कम संख्या में किया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि इतवार के दिन अगर आप सफर करने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आप समझ लें कि इतवार के दिन कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि इतवार के दिन है जनता कर्फ्यू। अभी तक इंडियन रेलवे ने 245 ट्रेनों को कैंसिल किया है ताकि कोरोना आउटब्रेक के बीच कम संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकें। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू की जनता से अपील की थी और गौरतलब है कि गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च की सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जरूरी सेवाओं के अलावा सभी लोग अपने घर में रहने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस जैसी चुनौती से हमें मिलकर निपटना होगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि बेवजह अपने घर से ना निकलें, केवल इमरजेंसी और ज़रूरी सेवाओं में शामिल लोग घर छोड़कर निकलें, बाकी लोग अपने घर पर रहें। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि इतवार के दिन यानी संडे के दिन कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म से रवाना नहीं होगी। तो फिर किसी और इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।